सो है व्हाट्स अप यूर फैमिली, दिस इज अंकित। कैसे हैं आप? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया। अगर आपने नया नया जिम ज्वाइन किया है और आप सोचते हो कि लोग जिम बैग क्यों लेके आते हैं, अगर आपने भी सोचा है कि आपको एक जिम बैग लेना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि जिम बैग तो खरीद लेंगे, बट जिम बैग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें जिम में लानी चाहिए, जो कि जिम में बहुत ज़रूरी होती हैं। सो गाइस, मैं आज ऐसी 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके पास होनी ही चाहिए जिम जाते वक्त। सो गाइस, ज़रा टाइम में नहीं बर्बाद करूँगा आपका, सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ। पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो होगी एक जिम बैग। जी हाँ यार, चीज़ें लेके जाओगे तो क्या पन्नी में लेके जाओगे? पहली चीज़ जो आप खरीदोगे वो होगा जिम बैग। ये एक छोटा सा जिम बैग है। इस साइज़ का जिम बैग इंडिया में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इसी साइज़ का। ये एक मीडियम साइज़ जिम बैग है और मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप पहली बार जिम बैग लेने जा रहे हो तो एक इस साइज़ का, यानी कि मीडियम साइज़ का जिम बैग लो। तो ये हुई आपकी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिस पे आप इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे, वो होने वाली है, मुझे लगता है कि इस चीज़ पे आपके पैसे शायद इन्वेस्ट ना हो, वो होगी एक वाटर बॉटल। गाइस, ये वाटर बॉटल मैं क्यों दिखा रहा हूँ? आप सबको पता है कि गाइस बिस्लेरी, केनली जैसी कंपनियाँ 10-10 रुपए में ऐसे वाटर बॉटल्स देती हैं, पानी पीने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं। बट गाइस, मैंने देखा है जिम में बच्चे क्या करते हैं, दूसरों की बॉटल से पानी पी लेते हैं, या वर्कआउट करते करते जहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई होती है वहाँ पर जाके मुँह लगा करके या नीचे ऐसे नल के करके पानी पी रहे होते हैं। बहुत अनहाइजीनिक लगता है गाइस, आपको लोग गलत तरीके से जज कर सकते हैं कि आपको शायद तरीका नहीं है, आपको शायद तमीज़ नहीं है। तो इस बात को प्लीज़ गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये बहुत ही संस्कारी काम होगा अगर आप एक जिम बॉटल अपने बैग में रख के जाएँ, खुद का पानी रखें, खुद का पानी पिए, बट बिना पूछे खास करके दूसरों की बॉटल से पानी मत पिए। अगर आप चाहें तो एक जिम शेकर यूज़ कर सकते हो। एक जिम में ले जाने वाली बॉटल कीमत 20 रुपए से लेकर के 200-250 रुपए तक की हो सकती है, आप एक शेकर भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, तो गाइस इसको मैं वापस रखता हूँ बैग में। नंबर तीसरी, यानी कि तीसरे नंबर की जो चीज़ है जो आपको जिम में ले जानी चाहिए ही चाहिए, वो होगी एक छोटी सी टॉवल। ये क्यों? गर्मियों का समय है भाई, किसी को भी आपका पसीना सूंघने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप जिम में लड़कियां भी ताड़ने जा रहे हो, अगर आप सोचते हो कि आपकी फिजिक अच्छी है, आप अच्छी बॉडी बना रहे हो और आप किसी लड़की को इम्प्रेस भी करना चाहते हो, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आपके बहते पसीनों को देख करके किसी को भी आप पर प्यार नहीं आने वाला है। और इस चीज़ के चक्कर में अगर आप नहीं भी हो तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बेंचेस यूज़ करते वक्त जब आप किसी भी ऐसी मशीन पर लेटते हो जहाँ पर आपको सर रखना पड़ता है या आपको हाथ रखना पड़ता है, यानी कि प्रीचर मशीन, बाइसेप मशीन या बेंच चेस्ट की मशीनें, उसमें आप अपना पसीना छोड़ के चले आते हो, ठीक है? तो उस पसीने को पोंछने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप खुद किसी बेंच पर जाते हो और अगला बंदा उस बेंच पर उठता है और आपको भरपूर पसीना आपके लिए छोड़ के चला जाता है, कितना बुरा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। तो यार पहले वो बुराई खुद से दूर करो, खुद वो काम करो जो आप दूसरों से चाहते हो। नंबर 4, एक और ज़रूरी आइटम पहले इसको अंदर रख देता हूँ, वो होने वाला है गाइस रिस्ट बैंड। रिस्ट बैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है जो आपको आपके बैग में रखनी ही चाहिए। गाइस, बेंच मारते समय, बैक की एक्सरसाइज करते समय, बाइसेप करते समय, ट्राइसेप करते समय, और खास करके तब जब आप एक बिगनर हो, आपकी रिस्ट में पेन आता है, आपकी रिस्ट ठीक से काम नहीं करती क्योंकि आपको ठीक से फॉर्म ही नहीं पता होती है। इंटरमीडिएट या प्रोफेशनल एथलीट जो कि काफ़ी समय से वर्कआउट कर रहा होता है, वो भी एक रिस्ट बैंड यूज़ करना पसंद करता है क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ आपकी रिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कलाई नहीं तो आप ना तो चेस्ट प्रेस कर सकते हो, ना बाइसेप मार सकते हो, ना ट्राइसेप मार सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो रिस्ट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आपको आपकी कलाई को सेफ रखना चाहिए, उसके लिए एक रिस्ट बैंड रखना चाहिए। ये 150 से 200 रुपये मिलने वाली चीज़ है, सिर्फ 150-200 रुपये मिलने वाली चीज़ है। सबसे लास्ट 5वें नंबर पे मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि ये एक बिगनर को ज़रूरी नहीं है कि पहले जिम जाते ही मन खरीद ले, आप 1-1.5 महीने बाद भी इसे खरीद सकते हो। ये होने वाली है गाइस एक जिम बेल्ट। जी हाँ, एक जिम बेल्ट से ज़्यादा ज़रूरी एक्सेसरीज कुछ नहीं हो सकती गाइस, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं कुछ ना ले जाऊँ और मुझे अगर सिर्फ एक एक्सेसरी चूज़ करनी हो कि मुझे जिम में सिर्फ एक चीज़ लेके जानी है, तो उस दिन मैं बेल्ट लेके जाऊँगा। मुझे बेंच मारते समय, डेडलिफ्ट मारते समय, इवन स्क्वाट्स मारते समय इस बेल्ट की जरूरत पड़ती है। और क्या सिर्फ यही नहीं, शोल्डर प्रेस, बाइसेप्स, अगर आप हैवी बाइसेप लगा रहे हो तो आपकी कमर मुड़ने लगती है, ठीक है? तो उस वक्त आपको बेल्ट एक सपोर्ट देती है। गाइस, बेल्ट आपकी कोर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम आती है। इवन अगर आपका कोर स्टेबल नहीं होगा तो आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो बेल्ट आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी, यकीन मानिए। वैसे बेल्ट की कीमत 300 रुपए से लेकर के 3000 तक होती है, आप अपने बजट के हिसाब से बेल्ट लो। तो गाइस, ये थी वो 5 जरूरी चीज़ें जो आपके जिम बैग में होनी चाहिए अगर आप जिम जाना शुरू कर रहे हो तो। या आपको अगर डाउट हो कि मुझे पहली 5 चीज़ें कौन सी खरीदनी चाहिए जिम जाने से पहले, ये 5 चीज़ें मैं अपने जिम बैग में लेके जाता ही जाता हूँ। ये मेरा एक छोटा जिम बैग है
जो मैं कभी कभी लेके जाता हूँ जब मुझे कम सामान ले जाना होता है। मैं प्रॉपरली एक बड़ा जिम बैग यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसके अलावा भी कई सामान अपने बैग में रखता हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि मैं खुद के जिम बैग में क्या क्या लेके जाता हूँ तो आपको एक कमेंट तो डालना होगा। जी हाँ, एक कमेंट तो डालना होगा कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। सो गाइस, आई होप कि अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछोगे। अदरवाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपने डाउट्स मुझसे पूछोगे। मैं उन डाउट्स पर रिप्लाई करने की, अदरवाइज उन डाउट पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।